हेलो एवरीवन, आज हम थोड़ा आईसीएसआई ने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी। आईसीएसआई ने मॉक टू रिलीज करा था, तो अपन इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि मॉक टू को एक्सेस कैसे करते हैं। और काफी बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही कि मॉक टू के अंदर ये कंपलसरी है या नहीं है, आईडी पासवर्ड क्या है, कितनी बार दे सकते हैं, रिजल्ट आएगी नहीं आएगी, आंसर की कहाँ मिलेगी, इसको सबमिट कैसे करना है और इसको एक्सेस कैसे करना है। तो काफी क्वेरीज है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि आईसीएसआई ने कितने मॉक दे दिए। आईसीएसआई ने कल सेकेंड मॉक, अपना सेकेंड वाला मॉक रिलीज करा आईसीएसआई ने। अब देखते हैं अपन इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, एक्सेस फोन में भी हो जाएगा और लैपटॉप में भी हो जाएगा। फोन में एक्सेस कैसे होगा? फोन में आपको गूगल क्रोम खोल के एक डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन आता है, साइड में थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप व्यू का आप करोगे तो आप फोन में भी एक्सेस कर सकते हो। देखो आईसीएसआई CSEET ये अपन ने लिख दिया। ये अपन ने लिखने के बाद जो पहला लिंक आएगा ना, www.icsi.edu, इसमें अपन को क्लिक करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये ऑफिशियल सारी अनाउंसमेंट आईसीएसआई की इसके अंदर ही होती है। देखो आईसीएसआई ने कितने मॉक रिलीज करे हैं, कल बहुत पहले वन करा था और कल अपना सेकंड मॉक रिलीज हुआ है। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है मॉक की। पहले मॉक अटेम्प्ट करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, कुछ खास बात लिखी है नहीं लिखी। अब देखो जनरल इंस्ट्रक्शन में ये साफ साफ लिखा है कि लॉगिन आईडी अपनी कैपिटल में आईसीएसआई है, अपना पासवर्ड कैपिटल में आईसीएसआई है, दोनों चीजें अपनी आईसीएसआई है। मॉक कितने मिनट का है? जितना अपना ओरिजिनल एग्जाम होगा 120 मिनट का, उतने मिनट का ही मॉक है। ठीक है, एक बार में एक क्वेश्चन ही आएगा, वो सब अपन देख लेंगे। और इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी है क्या? देखो सबमिट बटन है ना, 60 मिनट बाद ही अपियर होगा। मतलब अगर 2 घंटे का टेस्ट है तो 1 घंटे के बाद ही ये जो सबमिट बटन है ना वो अपियर होगा। काफी लोग पूछते हैं सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, हमें सबमिट करना है। भाई 60 मिनट बाद आएगा ऑप्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा है। ठीक है, और ये काफी चीजें अपने मॉक के अंदर लिखी है, ये कोई खास चीज पढ़ने की नहीं है। मेन बात है लॉगिन आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, सबमिट का ऑप्शन क्या है, कितने मिनट का टेस्ट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले मॉक वन की। देखो मैंने मॉक वन को खोला और मैंने सबसे पहले अपन मॉक वन करेंगे करेंगे नहीं, मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक्सेस कैसे करना है। देखो कैपिटल में आईसीएसआई लिखा, पासवर्ड में कैपिटल में आईसीएसआई लिखा, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फोन किसी भी कंप्यूटर से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें एक्सेस करने में। ये रोल नंबर आपका ओरिजिनल नहीं है, ये कंप्यूटर जनरेटेड रोल नंबर है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैंडिडेट का नाम भी आपको लिखना नहीं है, डेमो मॉक है, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है और कितनी बार भी एक्सेस कर सकता है। ये देखो ये जैसे आपका वैसे ओरिजिनल एग्जाम होगा ना, वैसे ही ये चीज आ गई कि 35 क्वेश्चन है, 35 ये है, 15 क्वेश्चन के करेंट अफेयर है, नेगेटिव मार्किंग अपने एग्जाम में नहीं है। ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, ये सारी चीजें दे रखी है इसके अंदर। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? ये देखो जब आप इसको नीचे लेके जाओगे ना तो एक स्टार्ट का बटन आएगा। काफी लोग मेरे से ये भी पूछ रहे थे, सर मॉक का इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं पर फिर स्टार्ट नहीं होता। इसको नीचे लेके जाओ, एक स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन आएगा, अपन ने स्टार्ट करा। ठीक है, तो ये आईसीएसआई का इंटरफेस है, जैसे मॉक अपियर हो रहा है। ये इसके नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले, ये कंपलसरी नहीं है। अब ये देखो ये बिजनेस एप्टीट्यूड, ये 4 सेक्शन अपने हो गए 4 पेपर के, तो 4 इसमें ऑप्शन आ गए। ठीक है, और ये अपने इन ऑप्शन के अंदर के क्वेश्चन आ गए 36 से लेके 70 तक। ठीक है, जो क्वेश्चन येलो ये व्हाइट मार्क्ड है वो आपने आंसर नहीं करा। ये काफी कोडिंग्स होती है जब मॉक अटेम्प्ट करते हो ना, तो उसमें जैसे देखो टॉट इज अ, अपन ने क्या पढ़ा था, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्यों होता है? जिसने मेरे टॉट के लेक्चर देखे होंगे उनको सब आता होगा, क्योंकि वो किसी के इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है। तो देखो मैंने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करने पर ये ग्रीन हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन मान लो मेरे को नहीं आता और मैंने नेक्स्ट करा तो इसका ये ग्रीन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये अभी तक नॉट आंसर्ड है। ठीक है, अब ये देखो विच ऑफ द कंपनी न्यूली कॉर्पोरेटेड कंपनीज एक्ट 2013, ये सब अपन कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन अपन को आते हैं। लीगल एप्टीट्यूड ने अपन ने बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, मिशन ऑफ आईसीएसआई, इसके लेक्चर भी आज आने वाला है, इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका लेक्चर भी आज आने वाला है। तो ये सारे अपने क्वेश्चंस है। ठीक है, अब देखो लॉ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ डील करता है सब अपन को पता है, एनफोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। तो ये सारी चीजें हैं,
है ठीक है। अपन इसको अभी आंसर करने नहीं बैठेंगे, पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जल्द बनाऊं। अभी अपन देखने को बैठे हैं कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करते हैं। देखो अब इसके अंदर कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा कि इसको मैं ना सबमिट कर सकूं, तो अपनी उसने क्या बोला है जनरल इंस्ट्रक्शन ने, ये सबमिट 1 घंटे के बाद ही होगा, ये सबमिट 1 घंटे के बाद ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, तभी आप लोग सबमिट कर सकते हो। ये देखो इसको जोमेटो को किसने अक्वायर करा, उबर ने। तो ये मतलब काफी बेसिक्स क्वेश्चन है जो अपन को पता होने चाहिए, करंट अफेयर का सेक्शन में जल्द आएगा ठीक है। अब लो मॉक सेकंड पे चले, इस मॉक को अपन बंद कर देते हैं, अपन ने मॉक को बंद कर दिया। अब अपन मॉक सेकंड पे चलते हैं, मॉक सेकंड का सीन भी समझ लेते हैं क्या है, इसका आईडी पासवर्ड क्या है, इसको कितनी बार अपन दे सकते हैं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इसकी कैलकुलेशन है या नहीं है, सारी बातें अपन समझ लेते हैं ठीक है। देखो कैपिटल में ICSI लिखना है, पासवर्ड भी कैपिटल में ICSI लिखना है, अपन ने कंफर्म करा, इसको अपन कितनी बार भी दे सकते हैं, इट इज जस्ट अ डेमो मॉक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट रिजल्ट, एंड मोर ओवर द फाइनल रिजल्ट विल नॉट बी जनरेटेड, फाइनल रिजल्ट आने भी नहीं वाला, तो अपन इसके बारे में भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो ये अभी नीचे नहीं हो रहा, अटक गया, कोई बात नहीं, पर इसको भी अपन ये लो, आ गया आ गया आ गया। ये देखो ये इंस्ट्रक्शन अपन ने वैसे ही पढ़ ली, हो सकता है टाइम लगा, जैसे अभी मेरे में टाइम लगाया 30 सेकेंड लगाए, पर आ गया। आई कंफर्म माई टेस्ट पे, जैसे ही आप टिक करके स्टार्ट एग्जाम करोगे तो अपन ये टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, अपन ये टेस्ट को दे सकते हैं। अब देखो 2 मिनट इसमें भी लगेंगे लोड होने के अंदर, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये टेस्ट ICSI ने आपको इसलिए दिया है कि आप समझ सको कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ये अपन अभी बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये वही इंटरफेस है सेम टू सेम, ये सिलॉजिज्म आ गया, इसकी भी वीडियोज आएगी, ये मिरर इमेज वाटर इमेज आ गया, लॉजिकल रीजनिंग अपना बहुत जल्द चालू होने वाला है, कैलेंडर आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गई, तो अपन को घबराने की कोई बात नहीं है, अपन बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, अपन बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे ठीक है। तो ये और इस मॉक से घबराना भी मत कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन और पढ़ेंगे, अपन 2 महीने के बाद अपने पास टाइम है, लॉकडाउन ने अपन को टाइम एक्सटेंड करके दिया है, अपन सारे करंट अफेयर और सब कुछ कर लेंगे। ये आप अपनी बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए दे सकते हो कि भाई इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें सीखने के लिए आप इन मॉक को एक्सेस कर सकते हो। इसमें भी वही दिक्कत है, इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं आ रही, मतलब ये देखो ऊपर टाइम तो चल रहा ही है अपना टाइम, पर सबमिट का ऑप्शन 1 घंटे के बाद ही आएगा, सबमिट का ऑप्शन 1 घंटे के बाद ही आएगा। अब देखो अपन उसमें चलते, अपन ने ये सारी चीजें बता दी, इसको अपन हटा देते हैं, टेस्ट पैनल को अपन ने क्लोज कर दिया, जनरल इंस्ट्रक्शन को क्लोज कर दिया, और ये अपना ICSI की वेबसाइट है। देखो कुछ लोगों को रेफरेंस रीडिंग मटेरियल नहीं मिल रहा, रेफरेंस रीडिंग मटेरियल ICSI की इस वेबसाइट पर जाके आप ले सकते हो, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। अभी अपन मॉक के बारे में और बातें करते हैं ठीक है, एक बार ये खुल जाए जनरल क्वेरी, इसको भी अपन सॉल्व कर देते हैं कि सर ये मटेरियल कहाँ दे रखा है, ये ICSI की वेबसाइट पर दे रखा है। देखो ये मैंने इस PDF के ऊपर क्लिक करना होता है, काफी लोग क्लिक नहीं करते। अब देखो मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करा तो ये अपना सारा जो ICSI का रेफरेंस मटेरियल है, जो आप लोगों को रटना है, आप लोगों को इसको चाटना है, मतलब रटना है पूरा, आपको आना चाहिए, तो ये अपना ICSI की वेबसाइट हो गई ठीक है। ICSI की वेबसाइट को अपन को रोज देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। काफी लोग बोलते हैं रोज देखा करो, अरे रोज क्यों देखें, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें इसको रोज देखकर। अब देखो अब अपन इसकी तरफ चलते हैं, सबसे पहली बात अपना ये था कि कितने क्वेश्चन, कितने कितने मॉक रिलीज हो गए, 2 मॉक रिलीज हो गए, एक्सेस करना मैंने आपको बता दिया, कंपलसरी है या नहीं है बेटा, ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है मॉक, ये मॉक आपकी जनरल प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, इनको कंपलसरी कैसे बना देंगे, मॉक बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको देना है तो दो वरना जाने दो ठीक है। अब इसका आईडी पासवर्ड क्या होता है, इसका आईडी पासवर्ड मैंने आपको बता दिया, आई देखो पेन टैबलेट नहीं है मेरे पास, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ICSI से, ICSI इज द आईडी एंड पासवर्ड इन कैपिटल, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन गिव, देखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का सिंबल पता है, इन्फिनिटी कितनी बार भी आप लोग दे सकते हो मौकों को, क्योंकि कोई आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांग रहा, कितनी बार भी कोई भी दे सकता है, आप किसी के भी फोन से इसको कितनी बार भी दे सकते हो ठीक
ठीक है, अब इसको एक बार नीचे करता हूँ थोड़ा। अब देखो ये कुछ और क्वेश्चन है बच्चों के। देखो रिजल्ट्स, रिजल्ट्स विल बी प्रोवाइडेड और नॉट। देखो बेटा आप 2 घंटे मॉक दे लोगे ढंग से, बहुत अच्छी बात है। आपने 2 घंटे मॉक दे लिया, आपको पता लग गया क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, पर रिजल्ट फिर भी आईसीएसआई आपको नहीं देगा, मतलब इन मॉकों के रिजल्ट आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। जैसे ही आपका सबमिट ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करके बंद कर दोगे, फिर आपको पता लगेगा आपका रिजल्ट ही जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि रिजल्ट इनके आईसीएसआई देगा ही नहीं। इतना अच्छा आईसीएसआई का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो सिर्फ मॉक कंडक्ट करा रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है, रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, आंसर की देखो, आंसर की हम बना के देंगे आपको मॉकों की, आप चिंता मत करो। आईसीएसआई की तरफ से तो कोई आंसर की नहीं आने वाली, आईसीएसआई ने कुछ आंसर की के बारे में नहीं बताया, कोई आंसर की नहीं आएगी। हाउ टू सबमिट है हमने बता दिया, 60 मिनट बाद ही, 60 मिनट बाद ही सबमिट का ऑप्शन आएगा, उससे पहले सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखो इज इट वर्थफुल और नॉट। देखो भाई वर्थफुल की परिभाषा तो आप पे डिपेंड करती है, अगर आपको सीखने के लिए देना है कि मेरे टेस्ट में क्या आएगा तो वर्थफुल है कि आपको पता लग जाएगा, पर आपको अगर अपने नंबर के लिए देना है तो वर्थफुल नहीं है, क्योंकि आईसीएसआई इसमें नंबर नहीं देगी। तो अगर आपको सीखने के लिए, आपको एक जनरल नॉलेज के लिए देना है कि भाई मेरे को पता होना चाहिए अगर मॉक के अंदर मैं कितना परसेंट एग्जाम दे सकती हूँ, मेरे को डर लग रहा है नहीं लग रहा, मेरे को कुछ आता भी है या नहीं आता, तो अपन इस मॉक को दे सकते हैं। और वरना अगर नंबर के लिए दे रहे तो नंबर इसमें जनरेट नहीं होगे, प्लीज मेहनत मत करना अगर आप लोग नंबर के लिए दे रहे हो तो। मैंने काफी जनों को देखा है 2-2 घंटे बैठे रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं रिजल्ट ही नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आईसीएसआई नहीं देगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हमारे मॉक्स कब हो गए रिलीज? बेटा पहले कोर्स हो जाए फिर मॉक्स भी रिलीज हो जाएंगे। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं मॉक्स कब रिलीज होएंगे। एक बार हमारा कोर्स हो जाए, जो कि बहुत तेजी से हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट आप यूट्यूब पे देख लो, इतनी तेजी से लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं अभी, मेरी टीम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं अकेला हूँ, और मैं अकेला होने की वजह से उसके बाद भी मैं आपको कितने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा कोर्स बहुत फास्ट चल रहा है, जल्द ही आपको ये मॉक्स भी दे दिए जाएंगे, और हम जल्द हम और लोगों का अरेंजमेंट कर रहे हैं जो आपको बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ा सके। ठीक है, तो सब कुछ चालू होगा, करंट अफेयर, लॉजिकल, लॉजिकल तो आजकल में ही चालू होके खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो ये अपने जनरल क्वेश्चंस हो गए, जनरल क्वेरीज हो गई जो मॉक के रिलेटेड थी, मैंने आपको सारी क्वेरीज बता दी। आप जाओ मॉक टू अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन में डाउट हो मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, मेरे को डीएम करो, नीचे मैसेज, नीचे नंबर मैंने दे रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है सर, और ये अगर ये वाली टीचिंग मेरे को आपको पसंद आई कि मैं ऐसे आपको कभी कभार कुछ करूं तो मैं ऐसे भी लेक्चर ले सकता हूं, पर ये लेक्चर वो वाले हो गए जिनके अंदर कम चीजें हैं लिखने को, लिखने को समझाने को जिनमें कम चीजें होगी उनके लेक्चर ऐसे ले सकता हूँ, बाकी वैसे लेक्चर तो एक बार हैंड पे ही कंडक्ट होएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।